अस्सलाम वालेकुम मौजी दोस्तों, आज हम आए हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी और इस वक्त हम R1 रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं। मेरी राइट साइड पे आपको सेल्स गैलरी और रिहाब मेडिकल सेंटर नज़र आ रहा है, जबकि लेफ्ट साइड पे इस टाइम सेक्टर ए और फिर इसके साथ ही ये सेक्टर बी चल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस रोड को पहले ही काफ़ी टाइम पहले मुकम्मल कर लिया गया था। यहाँ का जितना भी काम था, हॉर्टिकल्चर, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का जो काम था, वो सारा मुकम्मल कर लिया गया था। और ये जो दरख्त हैं, पौधे वगैरह लगाए गए हैं, इनको फर्दर मेंटेन किया गया है। यहाँ पे नई चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर लेफ़्ट साइड पे आप देखें तो फेंसिंग कर दी गई है, जाली लगा दी गई है। और ये सेक्टर ए बी सी डी ई तक जाने के लिए अब आपको इस जाली के दरमियान जो बैरियर्स लगे हैं वहाँ से होकर जाना पड़ेगा। यानी इन सारे सेक्टर्स को सिक्योर कर दिया गया है ताकि वो लोग जो यहाँ पे आके रिहाइश इख्तियार कर रहे हैं इन विलाज़ में, या यहाँ पे अपने जो प्राइवेट विलाज़ हैं, घर हैं, वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उनकी यहाँ पे जो सिक्योरिटी का जो माहौल है वो मेंटेन रहे। ये लेक व्यू हाइट्स मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आ गई, इसके भी कोई 5-6-7 फ्लोर्स मुकम्मल हो चुके हैं। यहाँ पे जो बेसिक नीड है, जो बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी है, वो सारी की सारी तकरीबन आ चुकी है। चाहे वो फल सब्ज़ी की शॉप है, चाहे वो दूध दही की, चाहे वो गोश्त की, चाहे वो ग्रॉसरी, चाहे वो बार्बर शॉप हो, यानी इस तरह की जो बेसिक नीड्स हैं वो सारी यहाँ पे आ चुकी हैं। और वो लोग जो यहाँ पे रिहाइश जिन्होंने स्टार्ट कर दी है, एटलीस्ट उन्हें बेसिक नीड के लिए अब कैपिटल स्मार्ट सिटी से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये राइट साइड पे जो आपको स्मार्ट लाइट्स नज़र आ रही हैं, यहाँ पे पहले पुराने ज़माने के खंभे वगैरह लगाए गए थे, हमने फिर हाई लाइट किया तो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने इनको चेंज करके तो ये खूबसूरत जो है यहाँ पे ये पोल्स लगा दिए। और अब जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं तो जो विलास का माहौल था वो पीछे ख़त्म हो गया, अब आगे सारे जो हैं ये रिहायशी प्लाट हैं। और ये जो आपके सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये हार्मनी हाइट्स मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और ये सेक्टर डी के फेस पे वाकया है। इस पर भी अगर आप देखें तो उसके भी कोई 8-10 फ्लोर जो है मुकम्मल हो चुके हैं, इस पर भी तेज़ी से काम जारी है। इसे अभी तक सेल नहीं किया गया, बस अभी इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। लेट्स सी कि इसे कब सेल के लिए जो है वो पेश किया जाता है। और R1 रोड जो है ये सेक्टर ई और एफ के संगम पे जाके ये ख़त्म हो जाता है और फर्दर फिर आगे वो थोड़ा सा कच्चा पैच है। ये लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं 5 मरला के जो विलाज़ हैं सेक्टर ई में जो बनाए जा रहे हैं वो सारे आप देख सकते हैं। इनकी जो फिनिशिंग का मरहला है वो काफ़ी सारे विलाज़ का स्टार्ट हो चुका है। उनका रंग रोगन, खिड़कियाँ, दरवाज़े वगैरह जो है उन पर काम स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आपका भी विला यहाँ पे मौजूद है और अभी तक आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी के से इंतज़ामिया की तरफ से कॉल नहीं आई पोजीशन हैंडओवर के लिए, तो आप ज़रूर कमेंट में इन्फॉर्म कीजिएगा, क्योंकि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने ये क्लेम किया था कि वो सितंबर 2023 में पोजीशनिंग स्टार्ट कर देंगे। तो वो लोग, वो मेम्बरान जिनको कॉल आ चुकी है वो भी ज़रूर इन्फॉर्म करें, और वो लोग, वो मेम्बरान जिन्हें अभी तक कॉल नहीं आई वो भी ज़रूर इन्फॉर्म करें, ताकि जो बाकी लोग हैं उन्हें अंदाज़ा हो सके कि विलास की पोजीशनिंग हैंडओवर की जा रही है या नहीं की जा रही। यहाँ पे सेक्टर ई में आके ये R1 रोड जो है ये ख़त्म हो जाता है, आगे सारे कच्चे पैचेज़ हैं। जैसे ही वो पैचेज़ फॉल्ट होंगे तो मैं वो भी आपको दिखा दूँगा।